तो हेलो एवरीवन। तो आज में हमारे चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन तो आपको मैं एक शॉर्ट में दे सकता हूँ कि नंबर सिस्टम तो आपने पिछली क्लास में पढ़ा ही था कि नंबर लाइन में हम लोग नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब बस वो नंबर लाइन के अंदर ही का ही चीज़ें आपको उसमें एक्सप्लेन कराई गई हैं। अब इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन है, इज जीरो आ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। अब इसका मतलब क्या है, जीरो क्या है, एक रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाए, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाए। जैसे 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1/1, 1/2, ये एक पी बाई क्यू के फॉर्म में, जिसमें पी हमारा है 1 और क्यू हमारा है 1, और सेकंड इसमें है पी हमारा है 1, क्यू हमारा है 2। अब यहाँ पर हमारा पूछा गया, क्या पूछा गया है कि थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, हाँ अब आपको दिख रहा होगा। इसमें पूछा गया है कि क्या ज़ीरो एक रेशनल नंबर है। तो हाँ, ज़ीरो एक रेशनल नंबर है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 0/1, 0/2, 0/3, ऐसे 0/4, 0/5, 0/6, ऐसे कई नंबर लिख सकते हैं। तो यस, ज़ीरो इज अ रेशनल नंबर, आगे आप लोग स्टेटमेंट बना के लिख देना, यह ज़ीरो इज़ अ रेशनल नंबर, वी कैन राइट इट इन द पी फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। अब चलिए, पहले हम लोगों का क्वेश्चन हो गया। इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब कि 1.1 एक्सरसाइज का एक्सप्लेनेशन करेंगे, और आगे का एक्सप्लेनेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन आ गया, जिसमें हम लोगों से पूछा था कि ज़ीरो एक रेशनल नंबर है, तो हमने बता दिया हाँ ज़ीरो एक रेशनल नंबर है, इसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। रेशनल नंबर एक बार मैं फिर से आपको बता दूँ, रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम लोग मेनली पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर ज़ीरो रेशनल नंबर नहीं होता तो पी बाई क्यू के फॉर्म में भी नहीं, हम लोग नहीं लिख सकते। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फाइंड करना है, फाइंड सिक्स रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। क्या पूछा गया है, सिक्स रेशनल नंबर बिटवीन 6 और क्या था हमारा, 6 एंड 4, 6 एंड 4, इनके बीच में हमको कितने 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, 6 फाइंड करने हैं। अभी देखिए, अभी ये पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं है, मतलब अभी हमारे पास सिर्फ मतलब पी दे रखा है, क्यू नहीं है, क्यों नहीं है, मतलब कि अभी ये पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है। तो अभी हम लोग इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में मतलब बना देंगे, उसके बाद हम लोग इसके बीच में जो भी मतलब डिजिट निकलेंगी उनको मतलब उनको उन्हीं में से 6 रेशनल नंबर निकाल लेंगे। पहले तो ये आप जान लीजिए कि किसी भी नंबर के बीच में इन्फानाइट रेशनल नंबर रहते हैं, बहुत सारे रहते हैं जिनको हम लोग गिन भी नहीं सकते हैं। तो चलिए, अब पहले हम लोग इसकी वैल्यू निकालते हैं, 6 on 4। और मैं अब देखिए, अब इसकी एक ट्रिक होती है, मतलब इसका एक फॉर्मूला समझ लीजिए। अगर जैसे हमसे 6 रेशनल नंबर पूछा है तो हम लोग क्या करेंगे, 6 रेशनल नंबर पूछ रहा था तो हम लोग उसी का मल्टीप्लाई कर देंगे उसके डबल से, मतलब कि उसमें एक डिजिट और ऐड करके। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, देखिए हमको जैसे 6 रेशनल नंबर पूछा है तो पहले तो हम लोग एक करके वैल्यू निकालेंगे ना, 6 अलग है 4 अलग है, पहले हम निकालेंगे 6 की वैल्यू, 6 निकालेंगे, 6 हो गया। तो हम लोग, मैंने क्या बोला कि एक डिजिट ऊपर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 × 7, और यहाँ कुछ नहीं था मतलब 1, तो हो जाएगा 1 × 7, तो हो जाएगा हमारा 6 × 7 = 42 और 7 × 7, ये हमारा निकल गया पहला रेशनल नंबर। अब आपको समझ में आया, देखिए अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो
अब आप इस चीज़ से समझिए कि, रुकिए एक सेकंड, मैं थोड़ा फोकस कर देता हूँ इस जगह पे। हाँ अब ठीक है, ये हमारे एक रेशनल नंबर निकल गया, एक का रेशनल नंबर निकल गया। अब फोर का निकालते हैं। देखिए अब अगर आपको भी नहीं समझ में आया है, जैसे अगर यहाँ पर सिक्स जगह दिया होता कि फाइव फाइव रेशनल नंबर निकालिए फाइव, तो हम लोग मतलब सेवन की जगह हम लोग करते सिक्स की जगह, सिक्स मल्टीप्लाई सिक्स करते, क्योंकि फाइव पूछा है तो फाइव में एक डिजिट और ऐड करना है, तो क्या सिक्स, और ऊपर नीचे हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है, तो फाइव मल्टीप्लाई सिक्स और नीचे वन मल्टीप्लाई सिक्स, तो हो जाएगा सिक्स फाइव तो 30, और इसका रेशनल नंबर निकल गया। सिंपल, पता दीजिए कि जितना रेशनल नंबर पूछे उसमें एक डिजिट और ऐड करके उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे यहाँ पर सिक्स पूछा था तो मैंने उसमें सिक्स में वन और ऐड किया, सेवन आ गया। फाइव पूछता तो फाइव में वन ऐड करता, तो फाइव सेवन की जगह मैं फाइव रखता, तो ऐसे ही करके। और आप देखिए ये एक हमारे निकल गए। अब हम लोगों को निकालनी है फोर की वैल्यू। फोर रखेंगे मल्टीप्लाई सिक्स, सेवन करेंगे, इसमें भी हमको सिक्स रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, मल्टीप्लाई सेवन। जगह हमारा 28, अभी 28 और 42, देखो 28 बाय 1 और 42 7, अब इनके बीच में हम जितने भी चाहें उतने रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। कैसे, 28 1 और क्या निकला था हमारा 47, एक सेकेंड हम लोग फिर चेक कर लेते हैं एक बार। 42 बाई 6, हाँ 42 बाई 7, 7 निकलेगा, 7 ये हमारे निकला। इसके बीच में हम लोगों को फाइंड करने हैं सिक्स रेशनल नंबर, तो आप देखो नीचे के डिजिट पे आप ध्यान दीजिएगा, नीचे सेवन और वन के बीच में आप कोई भी नंबर ले लीजिए, वन और सेवन के बीच में कोई भी नंबर ले लीजिए, ऐसे हो जाएगा टू ले लिया, 2 बाय 29, 29 और 30 अपॉन 2 और 31 अपॉन 2, 32 अपॉन 2 और 33 अपॉन 2, और भी ले सकते हैं 34 अपॉन 34 अपॉन 2, और अब 3 का भी ले सकते हैं 3, लेकिन ये ध्यान रखना है 7 का आपको नहीं लेना है और 1 का नहीं लेना है। देखो देखिए हम लोगों ने ले लिया जैसे 35 अपॉन 35 अपॉन 3, अब देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए, एक हमने एक्स्ट्रा ही कर लिया, तो ये हमारे 6 हो गए। ऐसे ही इन्फिनिटी निकल जाते हैं, इन्फिनिटी रेशनल नंबर बीच में होते हैं, दो नंबर्स के बीच में इन्फाइनाइट रेशनल नंबर रहते हैं। तो अब चलिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन के बीच में चलते हैं। अब इसमें तो डायरेक्टली आपको इसमें दे दिया, डायरेक्टली क्या आपको देखिए फॉर्म पी बाई क्यू के फॉर्म में दे दिया गया है। अब आपको रेशनल नंबर फाइंड करना है, इसमें पी बाई क्यू के फॉर्म में तो है ही, अब आपको रेशनल नंबर है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फाइव रेशनल नंबर बिटवीन 3, 5 एंड 4। जैसे हमारा वहाँ पर कुछ नहीं था, जैसे हमारा वहाँ पर था 3 और 4, तो हमने एक विजुलाइज कर लिया था 1 नीचे, तो इसमें हम लोग विजुलाइज कर लेते, इसमें विजुलाइज करने की कोई मतलब हमको एक कुछ मतलब एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ऑलरेडी दे दिया गया है। पहले हम लोग 3 बाई 5 को निकालेंगे, 3.5 मल्टीप्लाई कितने 5, तो हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा 6। अब हम लोग 6 क्यों किए, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था जितने का पूछे, जैसे हमारा देखो 5 दूसरे में आ ही गया, 5 रेशनल नंबर, तो 5 में प्लस 1 करके आता है तो 6, और 6 का इससे मल्टीप्लाई करना है तो वही आ जाएगा 6 3 18, 6 5 30, ये हमारा निकल गया 18 बाय 30। अब सेकेंड हमारा क्या निकलेगा, 4 मल्टीप्लाई 6 करेंगे और 5 मल्टीप्लाई 6 करेंगे, और इसमें क्यों 6 कर रहे हैं, क्योंकि दोनों में हम लोगों को निकालना है, 6 6 12 6 24 24 आ गया, और 6 30,
अब 18 अपॉन 30 और 24 अपॉन 30 के बीच में जितने चाहे आप, मतलब कितने, फाइव पूछ रहे, तो फाइव रेशनल नंबर हम निकाल लेते हैं। तो हो जाएगा 19 अपॉन 30 और 20 अपॉन 30। हाँ तो हमारी 19 अपॉन 30, 20 अपॉन 30, 21 अपॉन 30, 22 अपॉन 30, 23 अपॉन 30, हमारे फाइव निकल गए। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन रिलेटेड डाउट आ रहा है, कोई मन में डाउट आ रहा है कि इनमें से कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप वीडियो को एक बार फिर से देखिए इत्मीनान से, प्रैक्टिस कीजिए हर एक क्वेश्चन। और अगर तब भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप या तो हमारे वीडियो के नीचे जाके कमेंट कर सकते हैं, और या तो जाके मेरे इंस्टाग्राम हैंडल जो कि आपको साइड में दिख रहा होगा, कहीं पर आ रहा होगा आईडी, उस पर जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं पर्सनली उसका वीडियो बना के उस क्वेश्चन का मैं आपको भेज दूँगा। लेकिन आप अगर कमेंट करेंगे तो मैं क्या करूँगा कि उस, मतलब आपको वो इस वीडियो का लिंक फिर से प्रोवाइड कराऊँगा, जिसमें स्पेसिफिक क्वेश्चंस रहेंगे। मतलब जैसे आप, अगर आपको मानिए क्वेश्चन नंबर 3 नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं उसके लिए फिर एक बहुत गहरा वीडियो बनाऊँगा कि थर्ड के बहुत सारे एग्जांपल्स लूँगा कि हाँ कि थर्ड को और किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको पर्सनली मतलब सॉल्व करना है कि सिर्फ थर्ड में ही आपको दिक्कत हो रही है, थर्ड थर्ड के आगे आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो उसके लिए आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। और अगर थर्ड में कुछ पर्सनली आपको डाउट आ रहा है आपके क्वेश्चन में, तो आप मुझे इंस्टाग्राम हैंडल पर मैसेज कर सकते हैं। आप देख लीजिएगा आपको दोनों में से जो सही लगे, इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं, नॉर्मल कमेंट पे भी कर सकते हैं, हर जगह से आपको रिस्पांस मिल जाएगा जहाँ से आप चाहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हो गया, वहाँ 4th है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और ट्रू और फॉल्स, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। हाँ तो ये क्या कह रहा है, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, इसका कहने का मतलब क्या है? पहले तो आप समझिए कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं और होल नंबर क्या होते हैं। जैसे ये हमारी नंबर लाइन है, एक सेकेंड, ये हमारी नंबर लाइन है, ये हमारा 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, -1 है, -2 है और -3 है। देखिए यहाँ पर समझिए कि ये जो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये कहलाते हैं क्या, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। और इनका जो मतलब कलेक्शन होता है वो कहलाता है होल नंबर, होल नंबर। तो अब आप समझ गए होंगे कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं। ये है, इसके पॉजिटिव साइड वाले नंबर्स कहलाते हैं नेचुरल नंबर, और ये 0 के इस साइड वाले कहलाते हैं नेचुरल नंबर, और इन्हीं का जो कलेक्शन होता है वो कहलाता है होल नंबर। और ये जो इधर साइड वाले होते हैं, देखिए इधर साइड वाले आपको मैं अभी समझाता हूँ, इसका तो होगा ट्रू, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, क्योंकि कलेक्शन है ना, तो कलेक्शन में हर एक नेचुरल नंबर मिलके कलेक्शन बना रहा है। तो जब हर एक नेचुरल नंबर नंबर मिलेगा तभी जाके कलेक्शन बनेगा, तो ये हो जाएगा ट्रू। अब सेकंड वाला क्वेश्चन है, एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। नहीं, इंटीजर होल नंबर नहीं होता, क्योंकि इंटीजर होल नंबर नहीं रहता, क्योंकि इंटीजर तो ऐसे भी होता है -2 ऑफ 1, ऐसे मतलब -2 भी तो इंटीजर हो सकता है, तो हम लोग इसको नहीं मान सकते, इंटीजर एक होल नंबर नहीं है। तो हम लोग ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। और थर्ड, एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। नहीं, हमेशा सिर्फ रेशनल नंबर मतलब होता है रेशनल नंबर होल नंबर, लेकिन एवरी रेशनल, सारे रेशनल नंबर होल नंबर नहीं रहते, तो इसका फॉल्स रहेगा। तो थर्ड वाला मैं आपको एक बार फिर से समझा रहा हूँ, शायद कुछ लोगों को नहीं समझ में आया होगा।
एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, प्रॉपर ये रहता है, होल नंबर कहला रहा है इनके कलेक्शन को। लेकिन अगर ये ऐसे लिख जाएगा 2 by 1, ये जाए तो रखिए 1 by 2, तो ये तो होल नंबर नहीं है ना, ये तो फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो ये नहीं है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। ये भी है फॉल्स और फर्स्ट का ट्रू। तो आई होप आप लोग सारे क्वेश्चन समझ गए होगे। बस आपको क्या करना है, इनकी मतलब प्रैक्टिस करनी है और तब जाके आप और अच्छे समझ जाओगे। और वीडियो काफ़ी लेंदी हो रहा है, तो चलिए आज की वीडियो को बस यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपको नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।